बीजेपी अयोध्या में हार गई जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। बीजेपी चित्रकूट यानी बांदा में हार गई जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान 11 साल बिताए। बीजेपी सीतापुर में भी हार गई जहां भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। बीजेपी बस्ती में हार गई जहां भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी का निवास स्थान है। बीजेपी सुल्तानपुर में भी हार गई जहां भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए गोमती नदी में स्नान किया था। बीजेपी प्रयागराज में हार गई जहां भगवान श्री राम वनवास जाते समय भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके थे। बीजेपी नासिक में हार गई जहां भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने सुपनखा की नाक काटी थी। बीजेपी कोपल में हार गई, कोपल यानी प्राचीन समय का किष्केंधा जो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान की जन्मभूमि। बीजेपी रामनाथपुरम में हार गई जहां के रामेश्वरम में खुद भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। बीजेपी हर वो सीट हार गई जो भगवान श्री राम के नाम से जुड़ी थी, जबकि उनका मेन मुद्दा भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगना ही रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पुरानी बातें हैं। देखिए, हाल ही में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए जिनका रिजल्ट पिछले हफ्ते ही आया। इन 13 सीटों में से इंडिया अलायंस ने 10 सीटें जीत ली और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें बड़ी बात ये रही कि बीजेपी बद्रीनाथ सीट को भी कांग्रेस से हार गई। इस हार के बाद विपक्षी कह रहे हैं कि भगवान ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। वही कांग्रेस कह रही है कि भगवान श्री राम ने भाजपा का साथ पहले ही छोड़ दिया था, अब नारायण ने भी बीजेपी को सजा दी है।